नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो कन्या राशि वालों, बात करेंगे दिनांक 19 अप्रैल सोमवार, यानी महादेव का वार, बड़ा ही शुभ वार है मित्रों। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखिएगा, क्योंकि वीडियो में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी गई हैं। जो भी जातक सबसे पहले वीडियो को लाइक करेगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखेगा, गुरु जी का सीधा आशीर्वाद प्राप्त करेगा। मित्रों, वीडियो में दी गई जानकारियों को ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए मित्रों, बिना समय गवाए बढ़ते हैं आपके राशिफल की ओर। किस्मत के भरोसे ना बैठे और अपनी सेहत सुधारने के लिए खुद मेहनत करें, क्योंकि हाथ पर हाथ रखे रहने से कुछ नहीं होने वाला है। अब वक्त आ गया है कि आप अपना वजन काबू में करें और स्वस्थ रहने के लिए नियमित व्यायाम का सहारा लें। मित्रों, व्यस्त दिनचर्या के बावजूद सेहत अच्छी रहेगी, लेकिन इसे हमेशा के लिए सच मानने की गलती ना करें। अपनी जिंदगी और सेहत का सम्मान करें एवं लंबे समय से अटके मुआवजे और कर्ज आदि आखिरकार आपको मिल जाएंगे। मित्रों, आज आपका ऊर्जा से भरपूर, जिंदा दिल और गर्मजोशी से भरा व्यवहार आपके आसपास के लोगों को खुश कर देगा। उदास और अवसाद ग्रस्त ना हो, दूसरों को प्रभावित करने के लिए जरूरत से ज्यादा खर्च ना करें। ऐसा दिन है जब काम का दबाव कम रहेगा और आप अपने परिवार के साथ समय बिताने का मजा ले पाएंगे एवं घटती घरेलू जिम्मेदारी और रुपये पैसे को लेकर वाद विवाद के चलते आपके वैवाहिक जीवन में खटास पैदा कर सकती है। आज आप ऊर्जा से लबरेज होंगे। आप जो भी करेंगे उसे आप उससे आधे वक्त में ही कर देंगे। जितना वक्त आप अवसर में लेते हैं, नया आर्थिक करार अंतिम रूप लेगा और धन आपकी तरफ आएगा। कुछ घरेलू दिक्कतों का बुरा असर घर की शांति और परिवार की सेहत पर हो सकता है। अपने प्रिय के साथ आज अच्छी तरह से बर्ताव करें। जी हाँ मित्रों, किसी वांछित मेहमान से मिलते समय अपनी भावनाओं को नियंत्रण रखने की कोशिश करें एवं खुद पर काबू रखना वक्त की जरूरत है। बेवजह तनाव लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आखिरकार यह मुलाकात आपके लिए लाभदायक रहेगी। आप खुद को नए रोमांचक हालात में पाएंगे जो आपको आर्थिक फायदा पहुंचाएंगे। मित्रों, परेशानियों से जूझने के लिए दोस्तों की मदद लें एवं अतीत को लेकर दुखी होने या उसे भुलाने की कोशिश करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इससे केवल आपकी मानसिक और शारीरिक ऊर्जा में गिरावट आएगी। अगर आप सूझबूझ से काम ले तो आज अतिरिक्त धन कमा सकते हैं। कोई दोस्त आपकी सहन शक्ति और समझ की परीक्षा ले सकता है। अपने मूल्यों को दरकिनार करने से बचे और हर फैसला तार्किक तरीके से ले। अटके हुए मामलों और घने होंगे वह खर्चे आपके दिमाग पर छा जाएंगे एवं अचानक से मिली कोई अच्छी खबर आपका उत्साह बढ़ा देगी। और मित्रों, परिवार के लोगों के साथ इसे बांटना आपको उल्लास से भर देगा। शारीरिक और मानसिक लाभ के लिए ध्यान व योग करना उपयोगी रहेगा। आज आपको भूमि, रियल इस्टेट या सांस्कृतिक परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। आप सभी पारिवारिक कर्जे खत्म करने में कामयाब रहेंगे। जी हाँ मित्रों, भावनात्मक उथल पुथल आपको परेशान कर सकती है। अपने वरिष्ठों को नजरअंदाज ना करें एवं नियमित व्यायाम के द्वारा अपने वजन को काबू में रखने की जरूरत है। तली भुनी चीजों से परहेज करें एवं दीर्घावधि मुनाफे के नजरिए से स्टॉक और म्यूचुअल फंड में निवेश करना फायदेमंद रहेगा।
बेटे की बीमारी आपका मूड खराब कर सकती है। उत्साह बढ़ाने के लिए उसे स्नेह से दुलारे एवं प्यार में बीमार को भी भला चंगा करने की ताकत रहती है। परेशानियों के बारे में सोचते रहने और तिल का जड़ करने की आपको आदत है, आपके नैतिक ताने बाने को कमजोर कर सकती है एवं लंबे समय से अटके मुआवजे और कर्ज आखिरकार आपको मिल जाएंगे। घर में मरम्मत का कार्य किया जा सकता है। सामाजिक मेल मिलाप आपको व्यस्त रखेगा। अपने प्रिय के साथ खरीदारी करने जाते समय ज्यादा आक्रामक व्यवहार ना करें। जी हाँ मित्रों, आध्यात्मिक की सहायता लेने का सही समय है, क्योंकि मानसिक तनाव को मार भगाने के लिए यह सबसे बेहतरीन विकल्प है। ध्यान और योग आपकी मानसिक मजबूती को बढ़ाने में कारगर रहेंगे एवं समूहों पर शिकस्त दिलचस्प लेकिन खर्चीली रहेगी। खास तौर पर अगर आप दूसरों पर खर्च करना नहीं बंद करेंगे तो माता पिता के साथ अपनी खुशियां साझा करेंगे एवं मुश्किल परिस्थितियों का सामना करते वक्त आपको हिम्मत और मजबूती दिखाने की जरूरत है। सकारात्मक रवैये के माध्यम से आप आसानी से इन बाधाओं का पार कर सकते हैं, लेकिन खर्च करते वक्त खुद आगे बढ़ने से बचें, नहीं तो आप खाली जेब लेकर घर लौटेंगे। जी हाँ मित्रों, आपके निरकुंस व्यवहार के चलते पारिवारिक सदस्य खफा हो सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिए कि फाइनेंशियल प्लानिंग की तरह रुका हुआ पैसा कैसे निकालना है और आपको किस तरह से निवेश करना है, इस सब के लिए एक्सपर्ट की मदद लेने का प्रयास करेंगी एवं सैलरी से संबंधित मामलों में मोल भाव लाभदायक रहेगा। तो मित्रों, यह था हमारा आज का कन्या राशि के जातकों का राशिफल। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो मित्रों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख दीजिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वह जो स्क्रीन पर लाल बटन दिखाई दे रहा है उसे दबा दीजिएगा, वो पास में वह घंटी भी दबाकर हमसे अभी जुड़ जाइएगा।